सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल बटन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक कोल्ड शोल्डर स्लीव का डिज़ाइन। जैसे कि पहले हमने एक कोल्ड शोल्डर स्लीव का डिज़ाइन मैंने बनाया हुआ है, उसकी वीडियो पहले ऑलरेडी अपलोडेड है। उसमें हमने यहाँ से इसको कट करके बनाया था, लेकिन आज हम इसको यहाँ से कट करके बनाएंगे, इसको थोड़ा पत्ती के आकार में बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा अलग डिज़ाइन है, ये किसी की रिक्वेस्ट आई है तो उनकी रिक्वेस्ट पे ही मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो इसके लिए हमें बुकरम चाहिए होती है, तो जो ये वाला बनाया था वो हमने बिना बुकरम के बनाया था। तो ये मेरे पास बुकरम है, बुकरम का पीस है। ये मेरे पास जो बुकरम का पीस है वो गले में से निकला हुआ है। जैसे कि हम गला वगैरह कट करते हैं उसके अंदर से जो पीसेस निकल जाते हैं उन्हें हम यहाँ पे यूज़ करके ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पे इसकी गले की जो लंबाई वगैरह है वो लगाते हैं, जो हमने कट करना है वो कोल्ड वाला। तो यहाँ पे पहले हम आधा इंच बुकरम नीचे से छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ से हमें बुकरम चाहिए है नीचे। तो आधा इंच हमने नीचे छोड़ दिया है और यहाँ से ऊपर की तरफ 4.5 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरह 4.5 इंच के निशान के बाद हमें यहाँ से थोड़ा सा खुला चाहिए, हल्का सा यहाँ से खुला रखना है। हमने एक पैर होता है जितना मशीन का उतना चलाना है। और अब हमें यहाँ पे 1.5 इंच का गैप दे देंगे बुकरम में। यहाँ पे हम 1.5 इंच का गैप दे देंगे इसमें और निशान बना देंगे इस तरह। और अब हमने यहाँ से इसकी गोलाई चलानी है। और इसे यहाँ पे मिला देंगे, ये हमें यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह सीधा रखना है। और अब हम इसकी भी गोलाई चलाएंगे, इसे थोड़ा हम ऊपर तक कट कर लेंगे। इस तरह हमने इसका निशान बना लिया। अब हम इसे कट कर लेंगे, थोड़ा हम ऊपर से ही काटते हैं, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये जो होल बना रहे हैं हम, ये आप बड़ा और छोटा दोनों साइज में रख सकते हो। इसका ये ऑप्शन इतनी नहीं है कि हमने इतना ही रखना है, आप इसे छोटा या बड़ा कर सकते हो। मैं आपको बना के दिखाऊंगी, तो आप देख लेना, अगर आपको इतना छोटा ठीक लगे तो इतना ठीक है, नहीं तो आप इसे थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो। ये लीजिए, ये हमने यहाँ बनाना है, ये हमारा इस तरह हो गया। ऊपर से थोड़ा सा खुला है और नीचे से ये गोलाई में आएगा। अब हमने इसे स्लीव के ऊपर बनाना है। तो स्लीव के ऊपर बनाने से पहले हमें इसे एक कपड़े पे अटैच करना पड़ेगा। पहले ये मेरे पास शर्ट में से निकला हुआ थोड़ा सा कपड़ा है, उसमें हम बनाएंगे इसे। इसे यहाँ रख के देख लेंगे। ऊपर से हमें थोड़ा जितना हमने गैप रखा था उतना ही हमने रखना है। अब इसके इस तरह पूरी गोलाई में हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह हमने इसे सिलाई लगा ली है और अब हम इसे आधा इंच कपड़ा छोड़ के इस तरह कट कर देंगे। और इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। अब हमने इसे इस तरह फोल्ड करके एक निशान बना लेना है सेंटर का। ये इस तरह हो गया। अब हमने स्लीव लेनी है। ये मेरे पास स्लीव है, स्लीव का भी हमने यहां पे सेंटर करना है, बिल्कुल सेंटर लेना है हमने। यहाँ पे कट लगाना है, कट लगाकर इसे इस तरह खोल लेना है हमने। खोलने के बाद हम ये वाला जो कट है, ये जो हमारा डिज़ाइन है वो हम सीधी साइड रखेंगे, स्लीव के बिल्कुल सीधी साइड रखना है हमने। और सेंटर से सेंटर मिला के सिलाई करनी है इस तरह। अब हम इसे सिलाई को यहाँ से हटा देंगे और
अब हम पूरी इसमें सर्कल में सिलाई लगाएंगे। इसे हमने कट करना है। और यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। और अब हम इसे उल्टी तरफ फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हमने इसी के बिल्कुल किनारे पे एक सिलाई लगानी है इसको फिनिशिंग देने के लिए। ये लीजिए, ये अब इस तरह बन गया है। अब हम इसके राउंड में सिलाई लगाएंगे और पाइपिंग लगाएंगे। अब हमने इसके साइड में पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग लगाने के लिए मैंने इस तरह स्क्वायर कपड़ा लिया है, ये मेरी बॉटम का पीस है, तो इसको हम पाइपिंग में यूज करेंगे। अब हमने जो ये बनाया है डिजाइन उसे हम यहाँ पे रख के देखेंगे। इस तरह जहां जहां हमारा ये डिजाइन हमने सेट करना है वहीं रख लेना। ये जो गैप है हमारा ये हमने इसी तरह मेंटेन करना है। इसे ये नहीं करना कि आप जब पाइपिंग लगाओ तो इसे इस तरह जोड़ दो, इस तरह नहीं जोड़ना। इसे थोड़ा सा मेंटेन करना है गैप को। इस तरह रख लिया। अब हम पिन लेंगे, पहले तो एक सेंटर में लगा देंगे यहाँ पे, एक हम इसके यहाँ पे एंड में लगा देंगे क्योंकि सीधा रहे, टेढ़ा ना हो गला बिल्कुल भी। और अब हमने जो यहाँ पे है पिन लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम सिलना शुरू करते हैं क्योंकि अब तो ये सेट हो गया, बिल्कुल हिलेगा भी नहीं। अब हमने यहाँ पे पाइपिंग जितनी मोटी पतली देनी है उतनी आपने सिलाई लगानी है कपड़े के ऊपर। ये पाइपिंग मोटा या पतला करना आपके हाथ में है। आप अगर ज़्यादा थोड़ी सिलाई इधर की तरफ लगा दोगे तो थोड़ी मोटी पाइपिंग निकलेगी, अगर आप थोड़ी पतली सिलाई लगाओगे बिल्कुल किनारे पे फिर थोड़ी पतली पाइपिंग निकलेगी। पिन हटाते रहेंगे बीच बीच में। अब ये पाइपिंग लग चुकी है। अब हमने इसी के बीच का कपड़ा कट कर देना है सारा। यहाँ पे कट्स लगा देंगे इस कपड़े में। और अब ये वाले कपड़े को हमने इस तरह ऊपर की तरफ फोल्ड करना है, इस तरह फोल्ड करने के बाद हम पाइपिंग निकालेंगे जितनी हमें चाहिए। अब हम इसे यहाँ पे रखकर सिलना शुरू करते हैं। कपड़े को हम अंदर की तरफ अच्छी तरह से खींच के सेट कर देंगे। लीजिए, पाइपिंग हमारी बिल्कुल फिनिशिंग से निकल चुकी है। अब हमने क्या करना है, ये जो कपड़ा है हमारा रेड वाला इसे हम अंदर की तरफ इस बुकरम के ऊपर फोल्ड कर देंगे। और सिलाई लगा देंगे। कपड़ा हमने फोल्ड किया है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अब हम उसे कट करेंगे
और आपने ध्यान रखना है नीचे से कपड़ा आपका कोई अलग से कटना नहीं चाहिए, सिर्फ आपने यही कपड़ा काटना है जो आपका रेड वाला एक्स्ट्रा है, ये ना हो कि शर्ट का कपड़ा भी साथ कट जाए, वो आप ध्यान रखें इस चीज़ का। ये लीजिए, ये हमारा इस तरह आ गया है, बिल्कुल एक्यूरेट हमारा फोल्ड हो गया ऊपर की तरफ। अब हमने क्या करना है, इस स्लीव को हमने इस तरह ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा के, कच्ची सिलाई लगानी है, ये हम बाद में खोल देंगे जब हम तुरपाई करेंगे। एक्स्ट्रा ऊपर से कट कर देंगे। अब हमने इसका गैप मेंटेन करना है। देखिए गैप हमारा जितना था उतना हम रखेंगे और यहाँ पे सिलाई गैप देके छोड़ के लगाएंगे। यहाँ पे धागा आ जाएगा, एक बार और घुमा देंगे। ये लीजिए यहाँ पे धागा आ गया है, अब ये पक्का हो गया है। अब हम जब इसे शर्ट में जोड़ेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी, ये बिल्कुल इस तरह जुड़ जाएगा। चलो अब हम आपको ये शर्ट में लगाकर भी दिखाएंगे। अब स्लीव को बना के हमने यहाँ पे साइड में फिटिंग की सिलाई लगा ली है। ये फिटिंग की सिलाई आपने अपने हिसाब से लगानी है, जितनी आपका फिटिंग का निशान होगा। तो चलिए अब हम इसे शर्ट में लगाकर आपको दिखाएंगे। इसे हम सीधा कर लेते हैं, ये इस तरह का कोल्ड आएगा। तो अब हम शर्ट लेते हैं, शर्ट की हमने इस तरह आर्म होल रखा और इस तरह हमने स्लीव का नीचे का हिस्सा लेना है, और ये जो हमारा शर्ट का नीचे का आर्म होल का हिस्सा है वो लेना है। इन दोनों को यहाँ पे मैच करेंगे और यहाँ पे एक पिन लगा देंगे इस तरह। और अब हमारा जो ये स्लीव का हिस्सा है यहाँ पे हाफ वाले हिस्से में इस तरह रखेंगे और मिला के देख लेंगे, बिल्कुल ठीक आ रहा है। और अब हम इसे यहाँ पे सिलाई लगाना शुरू करते हैं। पिन मैंने निकाल दिए और अब हम इसे सिल रहे हैं। इस तरह इसे रखा और फिर दूसरा पल्ला, बिल्कुल ये दूसरा जो कॉर्नर है इसका साइड वाला, ये दोनों मिला देने हैं। जो गैप बनेगा वो सिलाई के बाद अपने आप बन जाएगा। इन दोनों को, दोनों हिस्सों को हमने आपस में मिला दिया और अब इसे सिल देंगे। लीजिए स्लीव हमारी अटैच हो गई है, ये इस तरह आ गई है। और अब हमने यहाँ पे शोल्डर पट्टी लगानी है जो हम अंडरगार्मेंट्स के लिए लगाते हैं। यहाँ पे शोल्डर पट्टी एक स्ट्राइप टाइप में, उसे हम यहाँ पे रखकर इस तरह पक्का कर देंगे। और जो ये वाला हिस्सा इसका, यहाँ पे इसको सुई से ऊपर टांका लगा देंगे और ये हमारी स्लीव का कोल्ड इस तरह रेडी हो जाएगा। और ये बहुत ही प्यारा और फिनिशिंग से बन गया है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो इसका नेक है, नेक का डिज़ाइन है, वो हमने पहले ही अपलोड किया हुआ है, वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।